प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे तथा समझेंगे। मुख से निर्गत प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। निर्गत माने निकली हुई, मुंह से निकली हुई प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है ना। और वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों तथा अक्षरों के मेल से ही शब्द बनते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं, जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। और सबसे छोटी जो इकाई है वो हमारी क्या कहलाती बेटा? वर्ण। प्राय वस्तुतः वर्ण वह लिपि चिन्ह है जो विशेष ध्वनि के लिए लिखित रूप में प्रयुक्त होती है ना। वर्ण जो है लिपि है, चिन्ह है, जो हमारे लिए लिखित रूप के लिए प्रयोग में हम लाते हैं। वर्ण की विशेषताएं, वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है, वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, वर्ण के टुकड़े संभव नहीं है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, है ना। तो बेटा, वर्ण जो है, अक्षर जो है, स्वतंत्र हैं और इनकी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुतम माने सबसे छोटी, और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हमें पूरा ही लिखना पड़ता है। वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है और वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक माने उसका अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब आती है बारी वर्णमाला की, है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह है। क्रमबद्ध माने सीक्वेंस में, व्यवस्थित रूप से जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। अब हिंदी वर्णमाला, इसके भाग देखिए। स्वर, वर्णमाला का पहला भाग है स्वर। स्वर है हमारे 11, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, है ना। ये हमारे 11 स्वर हो गए हैं। अब अनुस्वार, अंग और विसर्ग अह, है ना, ये आपके स्वर में नहीं आते हैं, ये अयोगवाह हैं। इनके अतिरिक्त अनुनासिक अ चंद्रबिंदु भी होता है। अब स्वर हमारे आ गए समझ में आपको, स्वर और अनुस्वार हो गए। अब व्यंजन, व्यंजन देखिए आप, इसके ये क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं, ये 5 आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, 5 अक्षर हैं, है ना। क वर्ग है क ख ग घ अंग, ये क वर्ग हो गया। अब आता है च वर्ग, च छ ज झ ञ, ये आपका च वर्ग हो गया। अब आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, ये आपका ट वर्ग हो गया। लेकिन इसके बाद ये जो बेटा अड़ और अढ़ लिखा है, ये आपके अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं, इन्हें हम व्यंजन में नहीं गिनते, ये अतिरिक्त आवाजें हैं, है ना। इसमें स्वर जुड़ के अड़ और अढ़ बन जाता है। अब आता है आपका त वर्ग, त थ द ध न, ये आपका त वर्ग हो गया। प फ ब भ म, ये आपका प वर्ग हो गया, है ना। तो बेटा क से लेके म तक जो 25 आपके व्यंजन हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श माने इनको बोलते समय हमारे अंदर अवयव एक दूसरे को छूते हैं, वो हम बाद में आपको स्पष्ट करेंगे। अब उसके बाद 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन माने इनकी आवाज अंदर से आती है, य र ल और व। अब इसके बाद आते हैं 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन माने इनको बोलते समय हमें
गर्माहट महसूस होती है ना। श श स ह, ये चार आपके उष्म व्यंजन हैं। और श और श दोनों में क्या अंतर है बेटा? जैसे शीशी बोल के देखो, शीशी तो आपकी जो मुख से हवा है अंदर से बाहर जा रही है, और षटकोण, षटकोण तो आपकी हवा बाहर से अंदर आ रही है ना। विषय तो ये श बोलते समय बाहर की हवा अंदर आती है, और ये श बोलते समय अंदर की हवा बाहर जाती, शीशी वाला श शलजम वाला है ना। अब है आगत, आगत ध्वनियां हैं अ क ख ग ज और फ। इन सब अक्षरों में, इन सब ध्वनियों में नीचे नुक्ता लगा हुआ, नीचे जो बिंदु लगता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? नुक्ता। नुक्ता जो है हमारे जो हिंदी के अक्षर हैं उनमें नुक्ता लगाते हैं तो विदेशी भाषा की आवाज बन जाती, ध्वनि बन जाती, वो अक्षर नहीं होते हैं, है ना। उर्दू और अंग्रेजी में अक्सर इनका प्रयोग होता है। ये आपकी आगत ध्वनि हो गई है ना। उसके बाद है, कितने हैं ये? छह हैं। और संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ श्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष आपका क आधा धन प्लस श मिलके क्ष बना है, त आधा प्लस र पूरा मिलकर के त्र बना है, और ज्ञ जो है इसको हम लोग ज्ञ बोलते हैं लेकिन सही मायने में ये ज्ञ है, क्योंकि इसके जो ध्वनि विच्छेद है ना वो क्या है? ज आधा प्लस न्या, न्या जो है हमारा च वर्ग का पंचम वर्ण, ये दोनों मिलके ज बना है ना। अब है श्र, श आधा शीशी वाला प्लस र, दोनों मिलकर के श्र बना है, ठीक है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। तो ये बेटा आपकी वर्णमाला है ना। तो आपको समझ में आया? अब कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, है ना। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं, है ना। और स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूर्ण होते हैं। आगे आपको समझ में? स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं हमारे? 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 हमारे उष्म व्यंजन हैं, और 6 आगत ध्वनियां हैं, और 4 संयुक्त अक्षर हैं, है ना बेटा। तो ये आपने समझा है, पढ़ा है। अब आप ये वर्णमाला से ही केवल कितने 5 प्रश्न या 7 प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे तथा इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।